धुंधला धुंधला दिखाई देना भी है टाइप 2 डायबिटीज का एक संकेत। जाने कैसे करें बचाव। डायबिटीज टाइप 2 डायबिटीज एक गंभीर स्थिति है जो किसी व्यक्ति की रोजाना की जिंदगी को प्रभावित करती है। यह स्थिति शरीर में एक रसायन से पैदा हुई समस्याओं के कारण होती है जिसे इंसुलिन के रूप में जाना जाता है। यह अक्सर अधिक वजन या शारीरिक गतिविधियां नहीं करने या फिर टाइप 2 डायबिटीज के पारिवारिक इतिहास से जुड़ा होता है। मधुमेह रेटिना में रक्त वाहिकाओं को प्रभावित करता है जो आंख के पीछे की रेखा होती है। हाई ब्लड शुगर पहुंचा रहा आंखों को नुकसान। टाइप 2 डायबिटीज से ज्यादा हाई ब्लड शुगर होना इन रक्त वाहिकाओं की क्षति से जुड़ा हुआ जो किसी व्यक्ति की दृष्टि को प्रभावित करता है। नेशनल आई इंस्टीट्यूट के मुताबिक डायबिटीज नेत्र रोग आंखों की स्थिति का एक ऐसा समूह है जो मधुमेह से पीड़ित लोगों को प्रभावित करता है। इन स्थितियों में डायबिटिक रेटिनोपैथ, डायबिटिक मैक्युलर एडिमा, मोतियाबिंद और ग्लूकोमा शामिल है। लेंस में आ जाती है सूजन। हाई ब्लड शुगर होने से लेंस में सूजन आ जाती है जिससे ठीक से देखने की क्षमता बदल जाती है। धुंधली दृष्टि को सही करने के लिए व्यक्ति को ब्लड शुगर के स्तर को सामान्य करना का लक्ष्य रखना चाहिए। टाइप 2 डायबिटीज से पीड़ित लोगों में ग्लूकोमा होने की संभावना अधिक होती है। जब तरल पदार्थ सही तरीके से प्रवाहित नहीं होता है तब आंख के भीतर दबाव बनने लगता है जिसके बाद यह नसों और रक्त वाहिकाओं को नुकसान पहुंचाता है और एक व्यक्ति की दृष्टि में परिवर्तन का कारण बनता है। कैसे करें उपचार। दृष्टि समस्याओं के उपचार में दवाई या विशेष आई ड्रॉप शामिल हो सकते हैं। सर्जरी और लेजर उपचार भी आंख के दबाव को कम कर सकते हैं। अगर आप भी दृष्टि संबंधी समस्याओं का सामना कर रहे हैं तो संभावित कारणों के बारे में अपने डॉक्टर से बात करें। अगर आपको टाइप 2 डायबिटीज है तो आपको आंखों की समझ या हो सकती है जिसका निदान होना जरूरी है। डायबिटीज रेटिनोपैथी को कैसे रोकें। इस रोग को कम या रोकने के लिए आपको अपने ब्लड शुगर, रक्तचाप और कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करने की जरूरत है। अगर आप धूम्रपान करते हैं तो इसे छोड़ने की कोशिश करें क्योंकि यह आपकी आंखों और आपके समग्र स्वास्थ्य में बहुत सुधार करेगा। नेशनल आई इंस्टीट्यूट का कहना है आंखों की जांच आपकी दृष्टि को प्रभावित करने से पहले समस्याओं का पता लगा सकती है। किसी भी बदलाव की जांच करने के लिए आपकी आंखों के पीछे के चित्रों को लिया जा सकता है।